हैप्पी गणेश चतुर्थी टू माय ऑल डियर व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी। सिर्फ 5 मिनट में हम इन मोदक को बना के रेडी कर लेंगे और बनाएंगे बिल्कुल प्योर देसी और हेल्दी स्टाइल से। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 बोल ड्राई कोकोनट, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट मैंने किया है, एक मैंने इस तरह का ये ग्रेटर लिया है, देखिए इसमें कुछ इस तरह की ये साइड्स हैं। जो सबसे बारीक वाली साइड है ये वाली, यहाँ से मैंने कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल बारीक हमें कोकोनट चाहिए, इसलिए बारीक साइड से ग्रेट करके हमने तकरीबन 1 बोल कोकोनट ले लिया है। 1/2 बोल हम लेंगे जैगरी पाउडर, या फिर आप जैगरी को बारीक बारीक कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और 250 ग्राम हमने लिया है मावा या खोया। तो अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून देसी घी। फ्लेम को आप लो टू मीडियम सेट कर दीजिए और देसी घी को मेल्ट कर लीजिए। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें डाल दीजिए ग्रेटेड कोकोनट, और फ्लेम को आपको बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है और रेगुलर स्टर करते हुए कोकोनट को भूनना है, जब तक कि इसमें से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। पूरी तरह से इसको ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उसको घी में भून लें जब तक कि उसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। और आप यहाँ पे चाहें तो 2 बोल कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी के खोए के साथ। ये देखिए हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। और बस अब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इस खोए को सेपरेटली एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो सेम कढ़ाई हम ले लेंगे और इसमें अब ये जो हमने खोया लिया था 1/2 यानी कि 250 ग्राम, इसे क्रम्बल करके कुछ इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। तो सारा खोया हमने यहाँ पे डाल दिया है। फ्लेम को आप बिल्कुल लो टू मीडियम सेट कर दीजिए और मावा तो ऑलरेडी भुना हुआ होता है, इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है इस तरह से प्रेस करते हुए, जब तक कि इसका घी रिलीज ना हो जाए। हल्का हल्का इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें। तो ये देखिए मावा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम भुना हुआ जो कोकोनट है वो ऐड कर लेंगे और साथ में जैगरी पाउडर भी डाल देंगे। अब फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से, तो ये सब तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। तो यहाँ पे ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे पकड़ पा रही हूँ और इसके मोदक हम बना सकते हैं। तो पहले हम लड्डू बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम लड्डू बनाते हैं दोनों हाथों में घुमाते हुए दबा दबा के अच्छे से एक लड्डू बना लेंगे। ये देखिए लड्डू बन गया है। और इसको अब जैसे आपको ये दिख रहा है वीडियो में, इस तरह से फिंगर से प्रेस करते हुए मोदक की शेप देनी है। देखिए ये हमारा मोदक जैसी इसकी शेप आ गई है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पे आपको एक फोक या स्पून की हेल्प से इसमें इस तरह से मार्क कर लेना है, जिस तरह का मोदक लगता है ना हमारा, कुछ उस तरह का हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो लीजिए बिना मोल्ड के बहुत ही आसानी से ये मोदक हमारा बनके रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम ये मिक्सचर लेंगे हाथ में और दबा दबा के इसको एक लड्डू जैसा बना लेंगे। पहले मिक्सचर कम लग रहा है तो थोड़ा या ज़्यादा कम, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये लड्डू बन गया है। अब फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से हमें इसे एक मोदक की शेप देनी है। ये देखिए ये ट्रायंगुलर जैसा थोड़ा बन गया है ना। और बस अब हम यहाँ पे एक स्पून या फॉक की हेल्प से इसमें 4 डायरेक्शंस में मार्क करेंगे। 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस उस तरह से चारों डायरेक्शन में मार्क कर लेना है। 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया। अब इन चारों के बीच में एक एक मार्क और लगा लेना है। ये देखिए अब ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें और बस ये देखिए मोदक हमारा बनके रेडी हो गया है विदाउट एनी मोल्ड। घर पे ही हम कितनी आसानी से मोदक बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे मोदक बना लिए हैं देखिए। और चलिए
अब हम इन सभी की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये मोदक? हल्की सी गार्निशिंग की कमी है, तो यहाँ पे मैं काजू से इनको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो कोकोनट से भी कर सकते हैं। और लीजिए, 5 मिनट में झटपट हमारे बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनके रेडी हो चुके हैं। आप भी इस गणेश चतुर्थी ये मोदक बनाएं, गणपति बापा को खिलाएं, अपने आप खाएं, फेस्टिवल को इंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह की हेल्दी और इंटरेस्टिंग इजी टू कुक फन रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूं। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।